हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग? शुक्रिया, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे दांत के प्रॉब्लम के बारे में पूछा। सो एक्चुअली मेरा दांत निकाला गया है, ठीक है। मुझे अभी जब सारी हीलिंग कर ली ना, तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, राइट नाउ। पर मैं भी इनको भी हील कर रही हूँ डायरेक्टली, अपना कर्मा समझ के, इसको सरेंडर करके। और मैं इस इलाज को पूरा करवा रही हूँ बहुत दिनों से। आप लोग में से कईयों ने पर्सनल मैसेज किया, व्हाट्सअप मैसेज, कि दी आप बहुत टाइम से बताते हो आपके दांतों का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो हाँ, मेरे दांतों का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। सीवियर प्रॉब्लम इस टाइप से है कि एक दांत ख़राब होता है और उसके पास वाला दांत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे आप, ये स्वेलिंग है सारा, क्योंकि उखाड़ा गया है और बहुत इन्फेक्शन हो गया था उस टूथ में, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि 2-4 दिन बाद भी हम उखाड़ेंगे। मैं सिर्फ दिखाने गई थी, उन्होंने बोला कि 2-4 दिन बाद भी हम उखाड़ेंगे, तो क्यों ना आप आज ही उखड़वा लो इसको। तो फिर मैंने भी इसको उखड़वा दिया, ठीक है। अभी इसका कैपिंग हो जाएगा। आप सबके कंसर्न के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत कंसर्न शो कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे हीलिंग भी सेंड करने के लिए पूछा कि हम करें आपको हीलिंग सेंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हीलिंग कर लेती हूँ, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स मेरे बहुत काम आई, ठीक है। अभी मुझे काफ़ी रिलीफ है काफ़ी हद तक, क्योंकि इस बार जो दांत उखाड़ा गया ना, उसमें बहुत पेनफुल था, सच में बहुत पेनफुल था। मतलब वो उखड़ ही नहीं रहा था, बहुत ऊपर से इन्फेक्शन हो गया था उसमें, उसको उखाड़ना जरूरी था, नहीं तो वो इन्फेक्शन फेल था। लेकिन वो रूट ना उसकी बहुत स्ट्रांग थी, तो उसको पूरा हिला के निकालना, उसको डॉक्टर को भी, मतलब उनकी भी हालत ख़राब हो गई, डॉक्टर की भी, ठीक है। बट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अभी मेरी तबीयत ठीक है बिल्कुल, है ना। और देखिए क्या होता है कि अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैंने सोचा आज कुछ इधर उधर की बातें, और आप हमेशा मेरे से इतना कनेक्टेड रहते हो, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया भी बनता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बहुत सारे लोग ना, जब मैं वीडियो बनाती हूँ कार्मिक और नासिस रिलेटेड, तो नीचे आके बहुत सारे लोग आप में से कमेंट करके जाते हैं, बहुत अपनी दर्द भरी बात बता के जाते हैं, ठीक है। जाने कितने कितने साल हो गए हैं कार्मिक के चंगुल से, नासिस के और ट्रैप में लोगों को, और अभी तक भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ही वो कभी निकल पाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, नार्सिसिस्ट एक बहुत कमज़ोर इंसान होता है। वो इसीलिए आपको लूप्स में रखते हैं ताकि आप अपने आप को, वो यही तो चाहते हैं कि आप अपने आप को कमज़ोर फील करो, है ना। आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करो, और फिर आप खुद ही उनसे दब कर रहो, दबाव में रहो। ऐसे ऐसे इंतजाम वो आपके लिए करते हैं। इनको, इनसे डरने का नहीं, इनको समझने का, ठीक है। तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी, जहाँ से एक इंसिडेंट नहीं है, ये देखो मेरे होठ पे भी लगी है दोस्तों, ठीक है, होठ पे भी स्वेलिंग है। लेकिन आप लोगों से मिल जाएंगी तो थोड़ा तो अच्छा बन के आना ज़रूरी था। हाँ, ये देखिए अभी भी है, यहाँ काफ़ी लगी थी यहाँ पर, वो निकाल ही नहीं पा रहे थे ना, उन्होंने खुद सॉरी बोला कि ये आपका थोड़ा लग गई है लिप्स पर। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एक इंसिडेंट नहीं है, एक मतलब एक ऐसा पैटर्न बताती हूँ आपको, जो आपको शायद हेल्प करेगा समझने का, कि जितनी जल्दी आप समझ के निकल जाओ उनकी चीज़ों से, तो ठीक रहता है आपके लिए। अभी होता क्या था मेरे साथ, क्या था कि मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब निकलती है ना, तो मेरे को फॉर्म भरवा दिया जाता था, ठीक है। और मैं खुद भी सोचती थी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, और आपको पता है कि हमारे अंदर वो इच्छा तो रहती है कि हम कुछ करें, ठीक है। मतलब मुझे उतना कोई, मैं पढ़ने में बहुत अमेजिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऐसी शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि ठीक है यार, एक बार पढ़ पढ़ा के और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन करा लो। तो जैसे फॉर्म निकलते थे तो मुझे मोटिवेट किया जाता था कि हाँ, इस बार करवा लेना, तुम थोड़ा बस मेहनत लगेगी, तुम कर सकते हो, तुम कर लेना, ओके। तो वो चीज़ ओके। अभी क्या होता है कि हम सोचते हैं, हम भी ऐसे ही सोचते हैं
और अक्सर एक बात जो आपके अंदर फीड की जाती है आपके साथ रहते हुए कि देखो यार, एक बार की मेहनत है, एक बार तुम मेहनत कर लोगी, एक बार कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा एंट्री हो जाएगी तो लाइफ बहुत इजी, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमारे इधर में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारे इधर क्या, सभी जगह पर गवर्नमेंट जॉब को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ऐसा ऐसा बोल के, ठीक है, अब मैं लग लग के मेरा कैपेसिटी से बाहर जाके खाना पीना पकाना सब भूल के, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करो तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, जो एक आम लेडी करती है। तो लग लग के फिर भी पढ़ाई करना है ना, अपने आप को एक बार के लिए कि मैं कैसे भी करके निकल जाऊँ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक बार के लिए मैं निकल जाऊँ ऐसा सोच के आप दिन रात पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, आप दिन रात पढ़ाई करते हो, आप मेहनत करते हो। अब जी एग्ज़ाम का टाइम आ गया, ठीक है, डेट फिक्स हो गई, आपने मेहनत की है और इस बार तो ना आपको लग रहा है कि हाँ शायद मैं हो जाएगा मेरा, है ना, हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो जब एग्ज़ाम टाइम आया ना, आपने इतनी मर मर के मेहनत की होती, मैं तो बहुत मर मर के मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे को वही मेरे अंदर फीड कर रखा था, कंडीशन कर रखा था कि एक बार किधर भी सिलेक्शन करा लो, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी फिर उसके बाद। तो ठीक है भाई, करा लेते हैं, लगा लेते हैं जोर, ठीक है। अभी उसके जैसे एग्ज़ाम आ गया, डेट आ गई, 2-3 दिन पहले से, ठीक है ना, 2-3 दिन पहले से सब्जी में नुक्स निकलना स्टार्ट हो जाना, कामों में नुक्स निकलना स्टार्ट हो जाना। सडनली जब आपने पूरा 6 महीने के तपस्या कर लिया और जब आपका बिल्कुल वो पीक टाइम आ गया, मैंने देखा है कि फैमिलीज में तो लोग बात भी धीरे करते हैं कि नहीं, फलाना पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब होएगा, ठीक है। और मेरे साथ उल्टा होता था, उस वक्त 3 से 4 दिन पहले या मान लो कि 4-5 दिन पहले ऐसा कलेश छेड़ दिया जाता था, ऐसा कलेश में चकरा जाती थी कि और मैं रोने लग जाती थी कि मैंने इतना टाइम, इतना लंबा टाइम, इतनी मेहनत की और अब एंड टाइम पर आकर मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि जब आपको हर वक्त आपके साथ आपको ट्रिगर किया जाएगा तो कहीं आपको गुस्सा भी आएगा, आप रो भी दोगे, वैसे में थोड़ी ना आपसे पढ़ाई होती है, वैसे में कभी आपसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो वो लास्ट के 3-4 दिन पूरी तरह से ख़राब कर देना, बर्बाद कर देना। और मेरा लिटरली ऐसी हालत होती थी, मैं खाना बना रही हूँ, फिर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ, फिर कोई बात हो गई, फिर मैं कहीं पर मुझे जाना पड़ रहा है, अब जाना पड़ रहा है तो वो जाना भी ज़रूरी है। कभी भी वो ये नहीं समझेंगे कि हाँ आपका एग्ज़ाम है, आपके ऊपर एक चीज़ है। और अगर सच में फैमिली होती है तो वो सपोर्ट करती है ना, कोई सपोर्ट नहीं उस वक्त पर। अगर कहीं जाना है, किसी ने अगर लिटरली ऐसा भी बोल दिया ना कि आना कभी घर पर, ठीक है, वो उसी ड्यूरेशन में इतना कंपलसरी हो जाता था वहाँ पर उस इंसान के घर जाना, फालतू फोकट का चक्कर लगवाना, है ना, और उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। जबकि अगर जाना है तो आप अकेले भी जा सकते हो ना, अगर जाना इतना ही ज़रूरी लग रहा है आपको, जबकि ऑब्वियसली वहाँ जाना उतना ज़रूरी भी नहीं होता था उनके लिए। सिर्फ इतना सा अगर किसी ने कभी बोल रखा हो ना कि हाँ आना आप कभी घर पे, तो वो भी उसी टाइम पर जाना है, वो भी उसी टाइम पर जाना है। कोई कोई चीज़ का कलेश निकालना, कोई कोई चीज़ का कमियां निकालना, लगातार वो 3-4 दिन बर्बाद करना। अच्छा जी ठीक है, अभी पेपर का दिन आ गया, पेपर किया जैसे तैसे, रात भर जाग जुग के रोते धोते कि लास्ट टाइम में आकर मेरी तैयारी ख़राब हो गई, ये हो गई। ऑब्वियसली अंदर एक मन में बहुत ज़्यादा गंदा एक वो चलता था, है ना, कि लास्ट टाइम पे आके यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है ये वो। तभी मेरे को ये नहीं पता होता था कि ये इंटेंशनली होता है, मुझे कैसे समझ आया मैं बताती हूँ आपको। ऑब्वियसली जब आप ऐसे होएगा तो नहीं हो पाता था सिलेक्शन, हर बार रह जाती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद की बात बताती हूँ आपको। उसके बाद होता ये था, मैं फेल हो गई, मैं नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, तो वो मेरा एक माइनस पॉइंट जुड़ गया मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे किरदार में वो बात सदा के लिए जुड़ गई कि मैं बार बार एग्ज़ाम देती हूँ और रह जाती हूँ। पूरी दुनिया पूछेगी आपको कि क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट आया,
एक तो वो शर्मिंदगी आप झेलते हो, दूसरा आपके नाम के साथ एक और ठप्पा लग गया, एक और फेलियर लग गया। अब जी क्या होता है, कभी कभी क्लियर कट जब लड़ाई चल रही होती है या कोई बात चल रही होती है या कुछ भी सिचुएशन चल रही होती है, उस टाइम पर ना क्लियरली अगर मतलब मैं सही होती थी है ना, तो और अपनी बात रख रही हूँ और नहीं दबाव में आ रही हूँ, नहीं दब रही हूँ किसी भी तरीके से, नहीं बहस में अंत हो रहा है ना, मतलब मैं भी बराबर आर्ग्यू कर रही हूँ, अपना पॉइंट रख रही हूँ, उस टाइम पर वो पॉइंट काम आता था। आपको पता है ये कई कई गुना सफरिंग है, ये आपको तो शायद मैं किस्सा ही सुना रही हूँ आपको समझ आ सके कि ना, लेकिन ये जिस पर बीतती है ना उसको पता चलता है। वो 6 महीने आपका खाना पीना जीना हराम था, वो 2-5 महीने 6 महीने जो भी ड्यूरेशन होता था आपका खाना पीना जीना हराम, प्लस जब आपका सिलेक्शन वो सॉरी आपका एग्ज़ाम का टाइम आया तो आपको जो डिप्रेशन दिया लगातार 3-4 दिन आपको लगातार एंग्जाइटी में रखा, ये ढंग से नहीं बना। लिटरली आप कहेंगे एक बार तो आलू का पीस कैसा कटा है उसके साइज़ पर लड़ाई हुई, कि अब आप सोच के देखिए अगर आपकी फैमिली में किसी के एग्ज़ाम है ठीक है, तो लोग तो लटको करते हैं बात को, सच में भी गलती होती है तो लटको करते हैं, ज़िंदगी भर हमने आलू काटे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि हमें नहीं पता कि आलू कैसे काटते हैं, लेकिन लिटरली उस दिन आलू भी ढंग से नहीं कटे थे, बड़ी गालियाँ पड़ी, बड़ी चीज़ें हुई, बहुत गंद फैला, और वो कब हुआ, एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले ठीक है। अब आपके जी एक जोड़ दिया आपको बातों में लगा के आपसे फुल तो मेहनत करवा ली, फिर आपको फेलियर भी कर दिया, फिर आपको दबाव में भी ले लिया, आप अब सदा के लिए अपने आप को जो अपने अंदर से फेलियर की फीलिंग आती है ना वो अलग, अपने अंदर फेलियर की फीलिंग क्योंकि 4 लोग जहाँ कहीं भी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना और कुछ कर रहे होते हो ट्राई, तो ना दुनिया जैसे आपके पीछे पड़ी हुई होती है हाथ धो के, और कैसा रहा अभी तो एग्ज़ाम, अभी तो रिजल्ट आ गया है ना, कैसा हुआ क्या हुआ, फिर ये सुनो कि किस किस का हो गया है, तो कोई ये नहीं देखता है कि आपके आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर जब कोई ऐसा वक्त होता था जबकि आपको कोई आप सही बात पर आर्ग्यू कर रहे हो, आप सही बात का रिप्लाई कर रहे हो, और वो टाइम पर आपको पिन पॉइंट किया जाता है कि इतनी अच्छी हो तो फिर निकल के बता देती ना, तुम तो वहाँ भी फेल हो गई, मैं तो मुझे तो इतना काम है, तुम्हें क्या काम है, तुमको तो क्या नहीं दिया, तुम्हें किताबें ला के दी, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें सब कुछ करवाया, उसके बाद भी तुम तो फेल हो गई, क्यों हो गई तुम फेल, इतनी अच्छी थी तो है, इतना ये जो ये दिमाग जो यहाँ लगा रही हो, बाय गॉड ऐसे बोला जाता है, ये दिमाग जो यहाँ लगा रही हो ये बात, ये दिमाग वहाँ लगा लेते ना तो तुम्हारा काम हो जाता, इतना कट के रह जाता है इंसान अंदर से, इतना कट के रह जाता है, क्लियरली पता होता है कि तुमने उस टाइम जानबूझ के माहौल ख़राब किया, तुमने उस वक्त जानबूझ के चीज़ें ख़राब की। अगर मेरा सिलेक्शन यूँ ना हो और मैंने बहुत अच्छे माहौल में मुझे सबने रखा हो तो उस बात को मैं अपने ऊपर लूँ, लेकिन जब दिख रहा है कि तुम जान के उन चीज़ों को उसी वक्त पर करते हो तो तुम तो पर्पसफुली कर रहे हो वो चीज़ मेरे साथ, ये इतना ऐसा लूप जैसा पूरा शायद 2 साल चला मेरे साथ, एंड आफ्टर दैट मेरा एक चीज़ ठीक है, मुझे जो चीज़ समझ आ जाती है ना फिर मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि वो क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, फिर तो उठा के किताबें रख दी मैंने कि भाई तुम ही हो इसके जिम्मेदार, तुम ही नहीं पढ़ने दे रहे हो, तुम ही नहीं करने देते हो, और सही बात यह है बिल्कुल एज पे आके अगर आप एग्ज़ाम से रहते हो या आप आपको विश्वास होता है कि आपने पढ़ाई करी है अच्छी खासी, एक तो वो मेरी मेहनत ठीक है, एक रातों का जगना, और फिर ऊपर से वो जो एक डिप्रेशन एक फालतू का, और फिर उसके बाद रिजल्ट के बाद का डिप्रेशन, तो सोच के देखिए आपकी मेरी पर्सनैलिटी को किस लेवल तक दबाने की कोशिश थी, किस लेवल तक दबाने की कोशिश की, वापिस से अपनी ही चीज़ें करके मुझे ही परवार करना कि तुम नाकाबिल हो, तुम नालायक हो, तुमसे नहीं हो पाता, मैंने तो सब कुछ दिया तुमको, हमने तो सब कुछ किया तुम्हारे लिए है ना, तो तुम कर ही नहीं पाती हो,
ये और फेलियर का एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, ठीक है, ऐसा करते हैं ये लोग आपके साथ। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया आपको, लेकिन इसमें मेरी तारीफ में केवल इस बात में मानती हूँ कि मैं किसी भी लूप को बहुत लंबे टाइम नहीं चलने देती हूँ। अगर मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि ये चीज़ तो इंटेंशनली की जाती है ताकि इस वक्त पर बाद में मुझे बोला जाए, थैंक यू जी, दाल रोटी तो परमात्मा देंगे, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, उठाई किताबें रख दो सब, नहीं करनी। और वो मतलब इस टाइप से ना, मैं जो बोलती हूँ आपको वीडियोस में, उनका हर एक मूव, उनका हर एक चीज। अब इससे क्या होता है, आपको बुक्स दिला रहे प्रॉपर, ठीक है, आपका फॉर्म भरवा रहे हैं, आपकी फीस भर रहे हैं, बाकी की दुनिया क्या सोच रही है कि वाह कितने सपोर्टिंग लोग हैं, कितने सपोर्टिंग लोग हैं जो आपको इतना फ्रीडम दे रहे हैं, इतना आपके लिए कर रहे हैं। अब अंदर, घर के अंदर क्या चला वो किसी को नहीं पता, उसके लिए वो लॉस मंजूर है, 1,000 2,000 की जो भी 2-5 हज़ार की किताबें आए वो मंजूर हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि क्या लूप चला अंदर। और फिर उसके बाद में पूरी दुनिया को ये भी पता चल गया कि दिलाने वाले ने तो सब कुछ किया था आपके लिए, है ना, आपके लिए सब कुछ किया था और आप ही नालायक हो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, उनके पास भी बोलने के लिए एक बात हो गई वक्त पड़ने पर, आपको बहुत बुरा फील होता है अपने आप के लिए क्योंकि आपको एक एहसास होता है कि दुनिया आपको नालायक समझती है, सब लोग आपको नालायक समझते हैं। ये मेरे साथ हुआ ना जब, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इतनी गंदी चीज़ें होती थी, जैसे रिजल्ट आ गया ना तो सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आ गया तेरा, क्या हुआ क्या बना, फिर आप खुद ही उठा के बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ, क्यों इतनी बेइज्जती है ना, निकलो, मुझे कौन फोर्स कर रहा है पढ़ने के लिए, मुझे तो कोई फोर्स कर नहीं सकता पढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं देना कोई एग्ज़ाम वगैरह, नहीं दूंगी, मैं बैठ के आराम से अपना दाल रोटी खाऊंगी, मैं क्यों परेशान होंगी। रोटी कपड़ा और मकान तो भगवान दे रहे हैं ना, ठीक है, हम एक छत के नीचे हैं, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ये फालतू का डिप्रेशन का एक साइकिल क्यों चलाऊँ मैं अपनी लाइफ में ऐसा। लेकिन इसके लिए ये मैंने जो आपको एग्जांपल बताया ना, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप समय रहते पहचान लो कि एक्चुअली में दिख क्या रहा है और असलियत में चीज़ें आपके साथ हो क्या रही है। देखो मेरा होंठ इतना स्वेलिंग हो रहा है, बहुत स्वेलिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, ये गाल पर भी बहुत स्वेलिंग है गाइस, आपको पता नहीं ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थैंक यू आप सबकी विशेष के लिए। तो अपने लूप को पहचानो, है ना, जब मैं बोल रही हूँ ना तो मेरा पूरा ध्यान इस होंठ पे लगा हुआ है। तो अपने लूप को पहचानो कि कहाँ पर आपको एक लूप के अंदर रखा जा रहा है, उस मामले में आप क्या कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। बिलीव मी, जब मैंने किताबें साइड में रखी, मैंने एग्ज़ाम देने से मना किया, मैं नहीं कर रही, मुझे मैं नहीं कर रही, बस मुझसे नहीं होता, मैंने मुझे नहीं कराना कोई सिलेक्शन वलेक्शन, ठीक है, किसी ने भी, वो जो हम होते हैं ना, वो हम खुद ही डर रहे होते हैं लोग क्या कहेंगे, अभी इतना पढ़ाई कर रहा है तो अभी इसको काम में लो, ये हम ही डर रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने लाइफ में एक चीज़ देखी है, सबसे ज़्यादा डर हम लोगों से रहे होते हैं, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी। आपको सच बात बताऊं, आप एक कदम उठाते हो ना, कभी भी दुनिया कुछ भी नहीं बोलती, दुनिया देखती है आपने साहस किया, आपने अपनी बात रखी, दुनिया आप ही के साथ लग लेगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर किसी रिश्ते में आप फ्री होकर होना चाहते हो, आप हो जाओ, आप दुनिया से मत डरो। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों का भी मैनेज होगा, उल्टा एक रॉन्ग रिलेशनशिप में रहकर आप बच्चों को गलत मैसेज दे रहे हो कि एक बार अगर आपकी शादी हो गई या एक बार आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो उसको मर मर कर भी आपको निभाना पड़ेगा, आपके साथ कुछ भी हो जाए। तो अगर आपके पास बेटा है तो आप सह रही हो, है ना, और सामने वाला आपको सहन करवा रहा है,
तो एक डायरेक्टली आपके बेटे को मैसेज जा रहा है कि औरत को ऐसे ही रखा जाता है अगर तो आपके पास बेटा है, और अगर आपके पास बेटी है ना, तो वो जिंदगी भर आपकी तरह दब के सह के रहेगी कि आप अपनी बच्ची के लिए ऐसा चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। तो उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट करो, निकलना सीखो चीज़ों से, नथिंग इज़ परमानेंट। कभी भी ये मत सोचो कि ये तो हो चुका है। जिंदगी में जिस पॉइंट पर आप ठान लेते हो, लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। बिलीव मी, लाइफ वहीं से चेंज होती है। आपका एक नया वर्जन निकल के आ जाता है, आप खुद सरप्राइज हो जाते हो। अगर आप मेरे पुराने फोटोज वगैरह देखोगे ना, तो आप कहोगे कि अरे ये आप कैसे हो सकती हो, है ना। तो मतलब कभी कभी मैं भी देखती हूँ तो मैं सरप्राइज हो जाती हूँ। तो मुझे तो वो लाइफ भी याद है जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ कि सच में इतना बदल जाता है जब हम एक बार ठान लेते हैं, जब हम एक बार नो बोलना सीखते हैं, सच में चीज़ें इतनी बदल जाती हैं। रियलिटी में चीज़ें इतनी इस लेवल की बदल जाती हैं। रॉन्ग को रॉन्ग बोलना सीखिए, गलत बात हमेशा गलत ही है, गलत चीज़ हमेशा गलत है। कभी भी मैं किसी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी भी देखना आप, जो हम लोग हैं ना, जो हम समाज का जिस कैटेगरी से हम लोग हैं, अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सारी जिंदगी उस समाज और उस लोगों की परवाह कर रहे होते हैं जिसको ये तक फुर्सत नहीं होती। 365 दिन में कितने दिन आपका हालचाल पूछते हैं वो, होली दिवाली के राम राम के अलावा मुझे यकीन है कभी नहीं पूछते, ठीक है। और एक व्यक्ति जब मर जाता है ना, जब वो निकल जाएगा, फिर वो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर सब बोलेंगे इतनी अच्छी थी। तुम कभी आए उसका हालचाल पूछने, कभी देखा भी था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? तो कौन से समाज से डर रहे हो, कौन से लोगों से डर रहे हो? और बिलीव में यही समाज, आप खुद को खड़ा कर लोगे, खुद को निकाल लोगे, आप अपनी स्थिति मजबूत बना लोगे, यही समाज, यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये भी होता है इसी लाइफ में, मैंने ये भी देखा है, वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके उसी कदम के लिए। तो टॉक्सिसिटी से निकलना है, टॉक्सिसिटी के लिए खुद को एक्सक्यूज नहीं देने हैं, कोई भी बाध्य नहीं है इसको सहने के लिए। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के वीडियोस इसलिए बनाती हूँ, बता बता के आपको मेरा गला बैठ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि शायद जितना समय मेरा बर्बाद हुआ या जितना समय किसी और का बर्बाद हुआ, आप में से सुनकर समझकर अगर कोई निकल पाए, किसी की ज़िंदगी में कोई डिफरेंस आ पाए, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है ना। जितना समय हमारा बर्बाद हुआ आपका ना हो। आप चीज़ों को जल्दी अंडरस्टैंड करो, जल्दी समझो, ठीक है। तो गलत को गलत बोलिए, ठीक है, और गलत के लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। गलत चीज़ अपने साथ घटित हो रही है तो उसको प्रकाश में लाइए, उसको लाइट में लाइए, उसको सामने लाइए। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी बात है, एक और एक अच्छी सी चीज़ बताती हूँ आपको। जब आप बोलने निकलोगे ना, तो कोवर्ट नार्सिस्ट इतना प्यारा अपना इमेज बना के रखते हैं कि आपको लोग बोलेंगे कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कैसे, ठीक है। वो टाइम पर बोलना सीखिए, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मैंने कब कहा कि बहुत बुरे हैं? वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे बारे में तो मैं बताऊंगी ना, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो उस तरह मैं बता रही हूँ कि मुझे नहीं रहना इसमें, मुझे नहीं सहना। अगर इतने वक्त के बाद कोई बात हम बोल रहे हैं, तो ज़रूर उसके नीचे कोई सॉलिड बेस होगा, कोई आधार है उस बात का। और जो लोग समझदार हैं वो आपकी बात को समझेंगे ही समझेंगे, और जो समझदार नहीं है, जो ऐसी बात बोले ना कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। हाँ जी, बहुत अच्छे, बस आपके बारे में ये डिसाइड आपको होना चाहिए कि मुझे नहीं रहना। ओके, तो अभी मेरे को इधर से थोड़ा खुजली चलना स्टार्ट हो गया, इचिंग जैसा, मैं इसको देखती हूँ,
लगभग मेरी बात भी हो चुकी है कंप्लीट। आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।